बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। आज की वीडियो में जो है वो दुपट्टा डिज़ाइनिंग की वीडियो है, और फिर कंप्लीट होगा तो वो भी मैंने एंड में जो है क्लिप लगा लिया है। सो ये हमारे ड्रेस का दुपट्टा है, उस पर जो है शीशे लग कर आए थे, तो मैं उनकी जो है डिज़ाइनिंग कर रही थी, पैटर्न बना रही थी। तो आई थॉट कि मैं इसकी क्लिप बना लूँ, छोटी सी वीडियो बना लूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि पैटर्न मैंने कैसे बनाया है। सो सबसे पहले इस पर पूरे पर छंद डलवानी थी। जो कस्टमर का ड्रेस है वो ब्लू है, उस पर काम हो रहा है, लेकिन फिलहाल उसका दुपट्टा मैंने जो ना वो बनने के लिए भेजा था। सो दुपट्टे पर सबसे पहले मैंने उनको कहा था कि मुझे शीशे लगा कर दें, शीशे लग जाएंगे तो फिर उनके बाद जो फ्लावर जो डिज़ाइनिंग मुझे करनी होगी मैं वो कर लूँगी। सो उन्होंने कहा ठीक है। सो उनको मैंने दुपट्टा भेजा, उन्होंने सबसे पहले मुझे शीशे लगा कर दिए। एक फ्लावर जो है वो मैंने पिंक बनवाया था, एक येलो, एक पिंक, एक येलो। सो जो शर्ट पर काम है वो भी पिंक एंड येलो है, तो दुपट्टे पर भी मैंने यही काम रखवाया था। सो सबसे पहले जो है ना मैंने शीशे लगवा लिए सर पूरे कंप्लीट। मेरे जब शीशे लग के आ गए, शीशे बड़े ही प्यारे मेरे बच्चों ने लगाए थे, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही नीटनेस के साथ और प्यारा सा दुपट्टा बना है। एंड में आप लोग देखिएगा कि ये कितना आउट क्लास मेरा जो है वो दुपट्टा बना है। होप्स हो गए कस्टमर्स को भी उतना पसंद आ गया। स्टिल ये डिस्पैच नहीं हुआ मेरे पास है, और एक दो दिन में ये मैं भेज दूँगी। सो पैटर्न जो है वो मैंने इस तरह से बनाया था कि थोड़ा सा उन्होंने तो प्रोवाइड नहीं किया मुझे कस्टमर्स ने, उन्होंने एम्ब्रॉयडरी मेरे ऊपर रखी थी। सो एम्ब्रॉयडरी मैंने जो है वो शर्ट से उठाई थी, मतलब कि जो शर्ट पर काम है उससे रिलेटेड ही, वहाँ शर्ट पर जो है वो पिंक काम है, येलो काम है, और उसके बाद जो फ्लावर्स के लीव्स हैं वो ग्रीन है। सो मैंने भी थोड़ा सा उसमें से डिज़ाइनिंग जो उस पर फ्लावर लगे हुए थे वही सेम फ्लावर्स की डिज़ाइनिंग जो है ना वो मैंने दुपट्टे पर बना ली। नीचे जो है दो मैंने लीव्स दे दिए, पत्ते दे दिए, ऊपर से पैटल्स जो है वो दे दिए। तो लीव्स जो है वो लगेंगे ग्रीन, और ऊपर से जो है ना वो इनके पत्ते लग रहे थे वो लग रहे थे वो कलरफुल। सो पेंसिल मैंने फेंक दी है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पेंसिल से पैटर्न बनाना इज़ नॉट ईजी एट ऑल, और पॉइंटर से बनाना भी उतना ही मुश्किल है जितना बॉल पेन से बनाना भी उतना ही मुश्किल है जितना पेंसिल से बनाना ईजी है। सो अगर आप लोग पैटर्न बना रहे हैं ना, तो मेरी आप लोगों को यही सजेशन होगी कि आप पॉइंटर पेन यूज़ करें। पॉइंटर खुद ब खुद जो है ना वो पैटर्न बनता जाएगा, आप जो जो डिज़ाइनिंग करते जाएंगे वो बिल्कुल वैसी ही बनती जाएगी। मैंने सबसे पहले पेंसिल भी मैंने ट्राई की हुई है, मैंने बॉल पेन भी ट्राई की हुई है, मैंने पॉइंटर भी ट्राई की हुई है। सबसे ज़्यादा बेहतरीन डिज़ाइनिंग जो बहुत ही ईजीली डिज़ाइनिंग हो जाती है वो है पॉइंटर। सो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पॉइंटर ले लें, उसके साथ पैटर्न बनाएं। बाकी दूसरी पेन्स और पेंसिल्स तो बस में नहीं है हमारे। सो इस तरह से आप लोग जो है वो सबसे पहले डिज़ाइनिंग कर लें, दैन उस पर जो है वो कर लें, काम कर लें। दुपट्टे के चारों तरफ मैंने सिंधी क्रॉचेट दी थी, जिसे हम सिंधी आर भी कहते हैं, वो मैंने लगवाई है, वो भी बड़ी ही प्यारी लग रही है। और तो आप लोग वीडियो को एंड में ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ आने वाली है जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। सो आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, लव यू।